मारुति सुजुकी ने अर्बन इंडियन कंज्यूमर्स की फैमिली कार की नीड को समझते हुए एक्सएल 6 को 2019 में लॉन्च किया था और इसने ठीक ठाक सक्सेस देखी, लेकिन अब बढ़ते कंपटीशन को देखकर कंपनी ने इसे एक अपडेट दिया है। क्या चीजें बदली हैं? चलिए जानते हैं अपडेटेड एक्सएल 6 की 5 खास बातें। सबसे अहम है प्राइसिंग। तो एक्सएल 6 की कीमत शुरू होती है 11.3 लाख से और टॉप वेरिएंट अल्फा प्लस विद डुअल टोन के लिए है 14.55 लाख। एक्सएल 6 जीटा, अल्फा और अल्फा प्लस वेरिएंट्स में आएगी और मारुति के नेक्सा आउटलेट्स पर ही मिलेगी। इसका सीधा मुकाबला इसी साल लॉन्च हुई कारेंस, खुद मारुति की अर्टिगा और महिंद्रा की मराजो जैसी गाड़ियों से है। लेकिन यहाँ ये बता दूं कि कारेंस में डीजल इंजन का ऑप्शन भी है, वहीं मराजो तो सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही आती है। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में ही है। इसमें अब 1.5 लीटर डुअल जेट इंजन मिलता है, जिससे बेहतर पावर और एफिशिएंसी मिलती है। इसमें सुजुकी की स्मार्ट हाइब्रिड टेक है विद स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। ये इंजन 103 एचपी की पावर और 136.8 एनएम का टॉर्क या फिर पुलिंग पावर जनरेट करता है। इस अपडेट की एक बड़ी खासियत और भी है और वो ये कि अब एक्सएल 6 में एक 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विद पैरेलल शिफ्टर्स मिल रहा है। ये गियरबॉक्स कुछ दिन पहले अर्टिका में इंट्रोड्यूस हुआ और अब एक्सएल 6 में आ रहा है। एक बेहतर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन एक्सएल 6 के कस्टमर्स को जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन पहले की तरह मौजूद है। मारुति की गाड़ी है तो ये सवाल तो बनता है कि आखिर गाड़ी माइलेज कितना देती है। तो इसका क्लेम्ड माइलेज मैनुअल गियरबॉक्स के साथ है 20.97 kpl और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 20.27 kpl। लुक्स के मामले में सबसे पहले नजर आता है इसका रिफ्रेश्ड ग्रिल, जिसमें अब क्रोम का इस्तेमाल बढ़ा है। इसमें बीच में दी गई क्रोम स्ट्रिप दोनों हेडलैम्प्स को जोड़ती हुई सी लगती है और ये ग्रिल अब क्रोम से लाइन है। बाकी एलईडी हेडलैम्प्स हो या फिर फॉग लैम्प, नीचे बम्पर सब पहले जैसे ही दिखते हैं। साइड प्रोफाइल में अब इसमें 16 इंच के मशीन कट डुअल टोन अलॉयज दिए गए हैं, ये पहले 15 इंच के हुआ करते थे। रियर में टेल लैम्प्स का नया लुक है, इसमें अब ब्लैक आउट एलिमेंट्स हैं और अब ये पहले के मुकाबले ज़्यादा स्लीक दिखते हैं। रियर में भी क्रोम के एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। इसके ब्लैक इंसर्ट में क्रोम की एक स्ट्रिप दी गई है। एक्सटीरियर के लिए डुअल टोन कलर स्कीम भी अब आप चुन सकते हैं और ये आते हैं टॉप वेरिएंट अल्फा प्लस में। तो लुक्स के मामले में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ एक बदलाव कर इसकी रोड प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश है। अर्बन कस्टमर्स के लिए एक्सएल 6 को ज्यादा अपीलिंग बनाने के लिए इस पे कुछ काम के फीचर्स ऐड किए गए हैं। सबसे बड़ी काम की दो चीजें हैं। अब इसमें फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड हैं और पार्किंग और टाइट स्पॉट से निकलना आसान बनाने के लिए 360 डिग्री कैमरा, 7 इंच स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम विथ वॉइस कमांड है और सुजुकी कनेक्ट भी मिलता है, जिसमें कंपनी के मुताबिक 40 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स हैं, जैसे रिमोट एसी कंट्रोल, व्हीकल ट्रैकिंग। लेकिन बलेनो में मिलने वाला हेड अप डिस्प्ले इसमें नहीं मिलता। होता तो एक्सएल 6 के इंटीरियर्स पे एक टॉकिंग पॉइंट तो जरूर ऐड हो जाता। सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई बदलाव नहीं है। सेकेंड रो अब भी पहले के जैसे स्लाइड और रिक्लाइन हो सकती है। सेफ्टी फीचर्स लिस्ट में भी कुछ काम के एडिशंस हैं। पहले तो इसमें अब 4 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन सभी फ्रंट पैसेंजर्स के लिए हैं और रियर रोज पर अब भी कोई एयरबैग नहीं है, जो हमारे मुताबिक एक बड़ा मिसिंग पॉइंट है। मारुति को कम से कम हायर वेरिएंट्स में रियर पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स देने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विद लो प्रेशर अलर्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद हिल होल्ड असिस्ट भी स्टैंडर्ड है, यानी सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे। आपको कैसी लगी मारुति एक्सएल 6? क्या आपको लगता है ये फैमिली कार चाहने वालों को इम्प्रेस कर पाएगी? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको इसका पूरा डिटेल रिव्यू देखना है तो हमारे साथ जुड़िए 26 अप्रैल को। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।